हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन। अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस। इट बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर हिटिंग द सरफेस। इट बाउंस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द हिटिंग द सरफेस। द फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंप्रेशन। Which one of the following sketch describe the variation of its kinetic energy with time t most appropriately? The figure are only, ये important line है, illustrative, not to the scale. ठीक, तो समझिए क्या कह रहा है सोल्यूशन। देखो, एक टेनिस बॉल है, उसे एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर आपने छोड़ा है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, यहां से एच हाइट से आपने इस बॉल को छोड़ा, इस बॉल को आपने यहां से छोड़ा। इनिशियल स्टेट इसकी 0 है, तो यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 होगी। ठीक है, जैसे बॉल को आप छोड़ोगे तो ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब ये स्ट्राइक करेगी इस जगह पर, तो जस्ट स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी मान लो भी है, जस्ट स्ट्राइक करते समय इसकी वेलोसिटी भी है, तो फिर ये क्या होगा, बॉल कंप्रेस्ड होगी, बॉल थोड़ी सी कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद जैसे ही वो कंप्रेस होती जाएगी तो फिर उसकी वेलोसिटी कंप्रेस होने के बाद 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, थोड़े से टाइम के लिए होगी, फिर वो अगेन ऊपर की तरफ रीबाउंड करेगी, और रिबाउंड करेगी तो फिर अगेन उसकी वेलोसिटी वी, क्योंकि सेम हाइट पर वापस लौट रही है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हुआ। इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर सकते हो आप यहाँ पे, और सेम हाइट पर वो वापस आ गई है, ऐसा उसने कहा है, और सेम हाइट पर वापस आ गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी फिर अगेन कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है, तो बच्चे सोचेंगे वेलोसिटी की रसम रिवर्स हो गई, तो वेलोसिटी नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसा मत सोचना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर आर नेगेटिव। ठीक है, पर देखो काइनेटिक एनर्जी पहले बढ़ी है, फिर इंस्टेंटली 0 हो गई है, फिर दोबारा से क्या हुई है, इंस्टेंटली नहीं मतलब थोड़ा सा टाइम लगा है 0 होने में, क्योंकि वो कंप्रेस हो रही होगी, फिर उसके बाद एक लिमिट कंप्रेस होते होते फिर वो रिबाउंड करी होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ी होगी, फिर बढ़ती गई होगी, फिर वो 0, फिर घटी होगी, फिर 0 हो गई होगी। ठीक है, दोबारा से कि यहां से एक बॉल फेंकी छोड़ी, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर यहां पे जब इस जस्ट टकराई होगी तो उसके बाद वेलोसिटी का घटना शुरू हुआ होगा, और फिर एकदम 0 हो गई होगी, फिर एकदम धीरे धीरे बढ़ रही होगी, फिर बढ़ के वी हो गई, फिर उसके बाद फिर घट रही होगी, और घट के फिर अगेन 0 हो गई होगी। ठीक है, ऐसा हुआ है इसमें। तो देखो इसमें अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और फिर इसमें बढ़ रही है, तो ये भी ठीक हो सकता है। इसमें भी देखें तो शुरुआत में 0 है, फिर इसमें बढ़ रही है, ये भी ठीक हो सकता है। शुरुआत में इसमें 0 है, इसमें फिर बढ़ रही है, ये भी ठीक हो सकता है। शुरुआत में 0 है, फिर बढ़ रही है, ये अंतर तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर इसमें काइनेटिक एनर्जी 0 ही नहीं हुई है। इस वाले ग्राफ को देखें तो देखो इसमें 0 हो गई है, फिर बढ़ गई है, फिर घट रही है, फिर 0 हो गई है, ये ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक सा लग रहा है। फिर इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि बढ़ के पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर 0 हुई, फिर बढ़ी, फिर घट रही है, फिर 0 हो गई अगेन, तो ये भी लग रहा है कि ये भी ठीक सा लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या, कि पहले बढ़ी लेकिन 0 नहीं हुई, इसमें कॉन्स्टेंट हो गई है, देखो काइनेटिक एनर्जी, फिर घटी फिर 0 हो गई, तो ये तो पक्का ही गलत है। काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर टकरा के रिबाउंड हो रही होगी तो थोड़ी देर के लिए तो 0 ही हुई होगी, इसीलिए ये तो पक्का ही गलत है। ठीक है, अब इसमें भी ऐसी हो रहा है, बढ़ रही है फिर घट के 0 हो गई है, फिर बढ़ रही है फिर घट के 0 हो गई है, अब इन तीनों में से चॉइस चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करें भाई, तो देखो जब ये वेलोसिटी, अगर मैं ए से बी तक की चर्चा करूँ, ए टू बी, ए से बी तक की चर्चा करूं, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें,
तो वी तो हो गई वी, यू हो गई इनिशियल स्टेट 0 प्लस जी और ये टी, ठीक है। तो वी इक्वल टू लिख सकते हो आप जी टी। मैंने इस दर्शन को नीचे वाले को पॉजिटिव मान लिया है, ऊपर वाले को मैंने नेगेटिव कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेवर नेगेटिव, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। वी इज इक्वल टू जी टी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, तो हाफ एम वी की वैल्यू पुट करें जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वेयर, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये तो पक्का हो गया कि पैराबोला की इक्वेशन होनी चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ये भी है, देखो पैराबोलिक पाथ है इसका, ये भी पैराबोलिक पाथ है, ये भी पैराबोलिक, ये तो कैंसिल ही हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट पाथ है तो ये तो कैंसिल हो गया। देखो पैराबोल का एनर्जी और टाइम का जो फंक्शन है वो पैराबोलिक फंक्शन है, और पैराबोलिक फंक्शन है तो ये तो पक्का गलत हो गया। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है वो चेक करना होगा। देखो कैसे, देखो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा अलग से बताऊं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला सब जानते हैं लगभग, फिर भी वाई स्क्वेयर बराबर 4ax। तो ये अगर एक का स्क्वेयर हो और एक का ना हो तो ये हायर पावर के साथ चेक करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन हो वाई का स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। और पैराबोला की इक्वेशन होती है तो देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो जिसका स्क्वेयर नहीं है, जैसे यहाँ एक्स का स्क्वेयर नहीं है, यहाँ एक्स का स्क्वेयर नहीं है, तो एक्स की साइड से खुला बनेगा ओपनली, ऐसे एक्स की साइड से खुला हो, ठीक है। अब जैसे दूसरा बताता हूँ, और जैसे एक्स स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू 4ay लिख लेता अगर मैं, तो अब किसका स्क्वायर है बेटा, ये तो एक्स है और ये वाई है, एक्स का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर नहीं है, तो वाई की साइड से खुला बनेगा, ओपन होगा, जैसे ऊपर की तरफ वाई की साइड से खुला ओपन है, इस साइड से ओपन है देखो, ठीक है। अगर ऐसे होता वाई स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो किसका स्क्वायर नहीं है, एक्स का, लेकिन माइनस का है इसलिए एक्स माइनस एक्स की तरफ खुला बनेगा। अगर ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस के वाई, तो वाई का स्क्वायर नहीं है तो वाई की तरफ से ओपन होगा, ऐसे ये आपका एक्स है और ये वाई। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, इनकी इक्वेशन हमें याद होती है, और इस ग्राफ इस तरह से बनते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, तो कुछ ऐसे ही है यहाँ पर भी, के प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसे ग्राफ कैसे बनाए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइम एक्सेस लिखी है और इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी, किसका स्क्वायर है देखो, टाइम का स्क्वायर है तो के की तरफ से खुला बनेगा, और के काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव नेवर नेगेटिव, तो के की साइड से खुला बनाए, तो देखो इस तरह से कुछ ओपनली ऐसे, और ये कुछ इस तरह से आएगा इधर की तरफ से कुछ इस तरह से, लेकिन इस साइड का नहीं बना रहे, इस साइड का बनाए तो ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ रही है और पैराबोलिक बनाया है, तो देखो इसीलिए ये वाला भी चॉइस नहीं हो सकती। अब बचती है ये भी, अब इसमें पहले काइनेटिक एनर्जी देखो, पहले स्पीड बढ़ रही है मैक्सिमम हो गई यहाँ पे, फिर टकराएगा तो वो धीरे धीरे स्पीड घटेगी, पहले कंप्रेस होगा ना तो तुरंत जीरो नहीं होगी, थोड़ा सा इसलिए राउंड दिया हल्का सा यहाँ ऐसे, फिर वो घटना शुरू हो गई ऐसे, और इसे ये भी तुरंत इमीडिएटली जीरो नहीं होगी, रिबाउंड नहीं होगी, तो रिबाउंड नहीं होगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो ऐसे करेंगे थोड़ा सा समय देंगे इसको भी, और फिर ये बढ़ना काइनेटिक बढ़ना शुरू करेगी, और फिर इस जगह पे आके काइनेटिक मैक्सिमम हो गई। ये कौन सी पोजीशन है जानते हो, यहां से ये कंप्रेस नहीं, डायरेक्टली नहीं कंप्रेस हुई है बेटा, पहले स्पीड मैक्सिमम टू जीरो तक गई होगी, फिर जीरो टू मैक्सिमम स्पीड आई होगी, तो ये मान लो ये मैक्सिमम स्पीड है वी मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम टू जीरो गई होगी, फिर जीरो से वी हो गई है मैक्सिमम हुई होगी, फिर उसके बाद का एनर्जी बढ़ी होगी, वो का एनर्जी घटी होगी, तो अब का एनर्जी घट रही है, और ये भी पैराबोलिक शेप में आएगा कुछ इस तरह से, और फिर जीरो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी,
पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इसलिए इसकी चॉइस बी इज अ करेक्ट चॉइस।